हेलो फ्रेंड्स, 200 मीटर से भी ज़्यादा लंबा वाला सेम फ्लाइट की तरह दिखने वाला बड़ा सा बैलून हवा में ठहरती हुई गए तो कैसे लगता है। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में लोग ट्रैवल करने के लिए ये एयरशिप को ही यूज़ करते थे। उस समय में ये बहुत पॉपुलर भी थे। 21st सेंचुरी आते आते ये एयरशिप क्यों गायब हो गए? लोग इन एयरशिप को क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं? अभी ये एयरशिप जस्ट एडवर्टाइजिंग के लिए क्यों यूज़ हो रहे हैं? क्या है ये एयरशिप की डिजास्टरिंग स्टोरी? आइए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो क्लिप में। इन एयरशिप्स की कहानी अब नहीं 17th सेंचुरी में शुरू होती है। 1670 में फ्रांसिस्को लाना डे टिर्जी नामक एरोनॉटिक मैथमेटिशियन ने इस एयरशिप की मॉडल को ड्रॉ किया था। इसमें पूरे 4 बैलून्स रहते थे। उसमें एक गैस को भराई जा सकती है। नीचे एक शिप की तरह रहती है, ऊपर एक पर्दा रहती है। ये एयरशिप दिखने में एक पानी में चलने वाली शिप की तरह दिखती है, बट ये कामयाब नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम पर इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। उसके बाद इस एयरशिप पे बहुत सारे लोग इनोवेशन किए थे बट ज़्यादातर फेल हो गए थे। बट 1784 में जिन फेरली ब्लैंचर्ड ने एक एयरशिप को बनाया है, इसमें एक हॉट एयर बैलून को यूज़ किया था और इस एयरशिप को 2 विंग्स भी थे चिड़िया की जैसा और एक प्रोपेलर भी था शिप को मोड़ने के लिए। ब्लैंचर्ड ने इस शिप को हवा में उड़ाते हुए इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था। इस धरती पे पहली बार हवा में उड़ के ट्रैवल करने का रिकॉर्ड भी इसी साल ही हुआ था। फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड फ्लाइंग इन द एयर भी ये आदमी ही थे। उसके बाद भी बहुत सारे इनोवेशन हुए थे। 1851 में विलियम बेलेंड नामक एक ऑस्ट्रेलियन एक डिजाइन को ड्रा किया था। उसमें एक स्ट्रीम इंजन को यूज किया है। ये एयरशिप 5 टन वेट को उठा सकती है। उसके अगले साल 1852 में हेनरी गिफर्ड नामक एक पर्सन ने इंजन पावर से चलने वाले एयरशिप को बनाया है। ये एयरशिप 27 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। 1872 में एक फ्रेंच नावल आर्किटेक्ट डुपुई डे लोम ने एक बड़ा नेविगेबल बैलून को लॉन्च किया था। इसमें एक बड़ा प्रोपेलर रहती थी। इस प्रोपेलर को 8 लोग पिराते थे। इस जायंट बैलून को फ्रांस को पर्शियन वार के समय लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए डेवलप करना शुरू किए थे, बट ये वार खत्म होने के बाद पूरा बन गया था। 1870 से लेकर 19th सेंचुरी तक बहुत सारे एयरशिप्स बने थे, उसमें भी ज़्यादातर फेल भी हुए थे। 1900 सेंचुरी के बाद इनके डिजाइन्स में बहुत सारे इनोवेशंस आए थे। इनके बॉडी में एल्यूमिनियम को यूज़ करना स्टार्ट किए थे। इसके अंदर ही लोग बैठने के लिए कंपार्टमेंट को भी बना दिए थे। 1930 से पैसेंजर्स को भी ट्रांसपोर्ट करना शुरू किए थे। अदर एयरक्राफ्ट से कंपेयर करें तो इसमें ज़्यादा लोग बैठ सकते थे। इसमें डाइनिंग हॉल, सोने के लिए बेड्स, शवर भी थे। 1930s में लोग ट्रांसपोर्ट के लिए शिप्स को ज़्यादा यूज़ करते थे, बट वो ज़्यादा स्पीड नहीं चल सकती है, लेकिन ये एयर बैलून्स उनसे ज़्यादा रफ्तार से चल सकती थी। लेकिन वाटर शिप से कंपेयर करें तो इन एयरशिप्स में ज़्यादा लोगों को नहीं ले जा सकते थे। 1935 आते आते बहुत सारे लोग इन सर्विसेज को यूज़ करना स्टार्ट किए थे। द हिंडनबर्ग LZ-129 एक बड़ा एयरशिप था। इसको पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करते थे। इस एयरशिप को न्यू जर्सी एंड जर्मनी के बीच में चलाते थे। 1936 एक साल सक्सेसफुली कंप्लीट किए थे इसको चलाते हुए। 6 मई 1937 को हिंडनबर्ग लैकहर्स्ट को पहुंच रही थी। वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर वेट कर रहे थे इसके लिए। अचानक से एयरशिप ब्लास्ट हो गया था। उसमें लगभग 97 लोग, उसमें से 35 लोगों की जान चले गए। उसमें 13 पैसेंजर्स थे, 22 एयर क्यूज थे। इस घटना को वहां पर रहने वाले बहुत सारे लोग उनके कैमरास में शूट किए थे। ये न्यूज़ जब बहुत वायरल हुआ था, इसके बाद से लोगों में इन एयरशिप के ऊपर उम्मीद निकल गई है। इस डिजास्टर के नेक्स्ट डे ब्राज़ील से आए एक एयरशिप सेफली लैंड हुआ था जर्मनी में। ये एयरशिप ही लास्ट शिप था पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने का। यहाँ से पूरा इस एयरशिप्स की कहानी ख़त्म होती है। अभी भी एयरशिप्स को यूज़ करते हैं, लेकिन पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं। ओके गाइस, ये है एयरशिप्स की कहानी। आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे एक लाइक बटन रहती है उसको दबा दीजिए। और अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन रहती है उसको भी दबा दीजिए।